हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने सोचा आज मैं अपना वीडियो हिंदी में बनाता हूँ। हमेशा इंग्लिश में बनाता हूँ तो कुछ लोगों ने कहा कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा चलो हिंदी में वीडियो बनाते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, आप लोगों को सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आने वाली है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। हम पिचकारी लेके आए, कलर्स लेके आए, गुलाल लेके आए, सभी चीज़ें लेके आए, तो बहुत मज़ा आने वाला होली में इस बार हमेशा की तरह। तो इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैं इन वीडियोस में कहता हूँ या जो भी मैं बताना चाहता हूँ वो मेरी पर्सनल ओपिनियन से, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, और उसका मेरे एक्सपीरियंस से और मुझसे रिलेशन है। तो मैं किसी को कोई एडवाइस देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और ना ही कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उससे यदि आपको कुछ जानकारी मिलती है, यदि आप कुछ समझ पाते हैं उससे, तो बहुत अच्छा है। यही मेरी कोशिश है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों का समय जो आप मुझे दे रहे हैं उसको मैं अच्छे से बिल्कुल आपको उसके हिसाब से कॉन्टेंट दूँ और आपका समय यूटिलाइज हो। एनीवेज, सो टुडेज टॉपिक मैं बात करना चाहता हूँ डिसीजन मेकिंग। अब मैंने डिसीजन मेकिंग टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग ज़िंदगी का, इंसान की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैंने कहीं पढ़ा कि इंसान ज़िंदगी मतलब हर इंसान दिन हर दिन में तकरीबन 30,000 डिसीजन पर डे लेता है, अनोइंगली और नोइंगली। जैसे कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, कब सोना है, कब उठना है, आज फ़ोन देखना है या आज ये करना है। और उन डिसीजंस का कुछ ज़्यादा दिमाग पे लोड भी नहीं लेता है, वो डिसीजन ले लेता है और वो चीज़ें होती रहती हैं। पर मैं आज के वीडियो में वो बात करना चाहता हूँ कि डिसीजन मेकिंग एक्चुअल में है क्या और वो आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और डिसीजन मेकिंग के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से। और बहुत सी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते कि हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। तो अब मैं आज की वीडियो में मैं डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करूँगा। तो मेरे हिसाब से हाई लेवल और जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग तीन तरीके की होती है, तीन कैटेगरीज होती है डिसीजन मेकिंग की। पहली कैटेगरी होती है डिसीजन मेकिंग विथ सर्टेनिटी। तो आपको डिसीजन लेने के पहले या निर्णय लेने के पहले आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ इन द सेंस कि आपको बहुत कुछ पता है और आप वो डिसीजन लेना चाहते हो। तो आप समझ रहे हैं कि वो डिसीजन जो मैं लेना चाह रहा हूँ या लेना चाह रही हूँ वो उसके बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है, तो वो तो काफ़ी इजी हो जाता है आपका लाइफ की। हाँ, ये डिसीजन है और मैं ये लेना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल ये है कि आप किसान डिसीजन ले रहा है खेती के लिए कि बारिश के हिसाब से मैं कौन सी फसल लगाऊँ, कोई भी एक दो तीन जो भी उनकी फसलें हैं, तो उनके पुराने अनुमान के हिसाब से या इस बार बारिश कैसी होगी इस अनुमान के हिसाब से या जो प्रडिक्शंस आई हैं उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं इस बार ये फसल लगाऊंगा क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं, बारिश इतनी होगी तो मैं रेन पर डिपेंड करता हूँ, तो हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग है। दूसरी डिसीजन मेकिंग होती है अनसर्टेनिटीज के साथ। तो आपको डिसीजन लेने के पहले उस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, आप कुछ जानते नहीं हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है डिसीजन मेकिंग टॉपिक के बारे में जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसके बारे में। तो जैसे कि कोई कोई व्यक्ति है वो न्यूज़पेपर बेचता है या फिर दूध बेचता है, कुछ भी बेचता है, तो उसके साथ में एक अनसर्टेनिटी, उसको ये पता नहीं होता कई बार कि मैं कितने न्यूज़पेपर लेके आऊँ क्योंकि न्यूज़पेपर हर दिन के लिए होता है। तो शाम को जब वो यदि न्यूज़पेपर नहीं बिकता उसका, या मतलब जो भी टाइम में न्यूज़पेपर नहीं बिकता है, तो वो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। तो बहुत सारे तरीके वो लगा सकता है उस न्यूज़पेपर बेचने के डिसीजन मेकिंग में कि मैं दिन के 10 न्यूज़पेपर बेचता हूँ या 5 बेचता हूँ या 6 बेचता हूँ, तो मैं 10 लेके आता हूँ और उस हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो वो बेसिकली फैक्ट इकट्ठा करने की कोशिश करेगा और उसके बेस पर डिसीजन लेगा। अनसर्टेनिटी फिर भी बनी रहेगी क्योंकि वो या तो एवरेज निकालेगा कि मैंने 10 दिन में कितने न्यूज़पेपर बेचे, उनको डिवाइड करेगा और पता करेगा कि इतना इतने न्यूज़पेपर पर डे बेच सकता हूँ मैं। तो अनसर्टेनिटी को आप सर्टेनिटी में बदल सकते हैं विद द डेटा, कि आप पता करें चीज़ों के बारे में, सब कुछ करें और थोड़ा सर्टन होने की कोशिश करें। तीसरा होता है डिसीजन मेकिंग विद रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है, पर
अगेन डिसीजन मेकिंग विद रिस्क कम्स विद की प्रॉबिलिटी ऑफ दैट रिस्क, कि वो रिस्क की प्रॉबिलिटी क्या है। जैसे हम लोग प्लेन में बैठते हैं तो हम कभी सोचते भी नहीं कि इसमें कोई रिस्क है प्लेन में बैठने से पहले, क्योंकि प्रॉबिलिटी ऑफ प्लेन गेटिंग डाउन और यू नो कहीं गिर जाए, इसकी जो प्रॉबिलिटी है बहुत कम होती है। तो हमें पता है कि प्लेन नीचे नहीं गिरता, पर उसके साथ में यदि मैं आपको बोलूँ कि आपको पैराशूट पे जाना है या पैराशूट में कहीं से कूदना है, लाइक कुछ लोग स्काई डाइविंग करते हैं, तो लोग स्काई डाइविंग में ज़्यादा डरते हैं कंपेयर टू प्लेन में जाने के इसमें, क्योंकि सीधी सी बात है आपको इसमें रिस्क ज़्यादा दिखती है। और इस ज़्यादा इसलिए दिखती है कि आपने पास में कुछ देखा होगा या जिस तरफ से वो कूद रहे हैं, जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस है उसके अंदर, वो प्लेन में डेफिनेटली ज़्यादा होती है। तो जब आप प्लेन में बैठोगे तो आपको मालूम है कि प्लेन का चेकअप हुआ है या प्लेन का पायलट ट्रेंड है, सिक्योरिटी स्टाफ है, इन लोगों ने काफ़ी उसकी चेक किया, एयरलाइंस अच्छी है, प्रॉपर जगह से फ्लाई करता है, वो सब चीज़ें आप देख के वो करते हैं। जब आप स्काई डाइविंग करते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं, पर उसके साथ में एक रिस्क जो है वो थोड़ी हायर होती है, क्योंकि आपने जो डेटा जो पास्ट में देखा है उसके हिसाब से उसकी रिस्क हायर है। तो ये तो हाई लेवल होगी तीन चीज़ें डिसीजन मेकिंग की। तो यदि आप देखें तो सर्टनिटी के साथ में रिस्क लेना या डिसीजन मेकिंग करना बहुत आसान होता है लाइफ में, कि आप सडन कर लेते हैं। दूसरा, अनसर्टनिटी के साथ में आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ चीज़ें लगाते हैं और पता करते हैं कि मैं कैसे उस चीज़ में सर्टन बनूं। तीसरा, रिस्क के साथ में होता है कि मैंने जो रिस्क ली है वो रिस्क कितनी सही है कितनी गलत है, उसकी प्रॉबिलिटी गलत होने की क्या है, उसमें कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब जैसे मैं किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं जाके उसकी प्रॉबिलिटी पता करूंगा या उसका डेटा पता करूंगा कि वो कंपनी कैसी है, क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीज़ें पता करूंगा। बट हमेशा रिस्क है कि वो कंपनी आज अच्छा कर रही फ्यूचर में अच्छा ना करे, राइट। तो इसमें वेरिएबिलिटी ये है कि आज के जो पॉइंट्स मैंने जिस पे बेस पे डिसीजन लिया है उसका कुछ अलग भी हो सकता है, राइट। तो ये सब मिला जुला के डिसीजन मेकिंग विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बिकम्स वेरी ट्रिकी। तो बहुत सारे डिसीजन जो हम लेना चाहते हैं लाइफ में वो ले नहीं पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अनसर्टेनिटी और रिस्क। अब अनसर्टेनिटी को दूर करने के कुछ तरीके हैं। तो जैसे आप लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेते हैं, जैसे आप शादी करने जा रहे हैं, तो शादी का डिसीजन मेरे हिसाब से जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है, और उसके अंदर हम लोग अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ट्रेडिशनली। यदि आपकी अरेंज मैरिज है, यदि इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड ग्रूम और ब्राइड, तो आप पता करेंगे कि उसकी फैमिली कैसी है, राइट, उनके बैकग्राउंड क्या है, या फिर वो लड़का लड़की करते क्या है, या उनका पास्ट क्या है, आप सब चीज़ें पता करके उनसे मिल के पता करने की कोशिश करेंगे और उस डेटा के बेस पे आप अपना डिसीजन बनाएंगे। रिस्क उसमें भी इन्वॉल्व है कि आपको अपना कंपेटेबल पार्टनर मिले ना मिले, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डाइवोर्स भी होता है, सब कुछ होता है। तो आप एक रिस्क तो आपके पास है, पर समाओ जब आप शादी करने जाते हैं तो वो रिस्क जो है, आप जब यदि आपको कोई इंसान पसंद आ जाता है या उसकी क्राइटेरिया मैच हो जाता है थोड़ा भी, तो आप रिस्क के बारे में इतना नहीं सोचते। इसलिए नहीं सोचते कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि वो शादी करने के बाद मेरी लाइफ बेटर होगी या आई विल बी मोर हैप्पियर और मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होंगी, विच इज़ गुड। दिस इज़ द मतलब बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि आप ऐसा या किसी रिलेशनशिप बनाने के लिए या कुछ काम करने से पहले यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वह अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम उसमें भी अनसर्टेनिटी काफ़ी है। जैसे आप कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें अनसर्टेनिटी है, तो शादी में भी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि नहीं है, और होता है, हम देख रहे हैं हमारे आसपास। अब लाइफ में कुछ अलग डिसीजन मेकिंग्स होती हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है और अनसर्टेनिटी होती है। जैसे मैं जिस टॉपिक पर बात करता हूँ, यूजुअली रिटर्न टू इंडिया, मैं चाह रहा था कि इसमें रिटर्न टू इंडिया के बारे में ज़्यादा बात ना करूँ, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि आप इंडिया वापस आना चाहते हैं, अब आप बहुत सालों से बाहर है, जैसे मैं 15 साल से बाहर था, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी थी दुनिया, क्योंकि मैं यहाँ का सब कुछ नई चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी क्या हो रही हैं, तो अनसर्टेनिटी काफ़ी थी। तो वो अनसर्टेनिटी को आप पहले दूर करने की कोशिश करोगे, अपने दोस्तों से बात करोगे, अपने फैमिली मेम्बर से बात करोगे, डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करोगे कि हाँ स्कूल्स कैसे होते हैं, जॉब्स कैसी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, और ट्रैफिक कैसा है, और सिटी में पॉल्यूशन कितना है, और ये सब चीज़ें आप पता करने की कोशिश करोगे।
तो अनसर्टेनिटी को आप पता करने की मतलब पूरी कोशिश करोगे कि ये अनसर्टेनिटी जो है मैं इसको कम से कम कर दूं और थोड़ा सर्टन हो जाऊं, थोड़ा डेटा इकट्ठा कर लूं, विच इज़ ह्यूमन माइंडसेट, सभी करते हैं। फिर साथ में रिस्क भी होती है कि मैं जो डिसीजन आज ले रहा हूं, जैसे शादी के डिसीजन में जो रिस्क थी, जो भी इंसान शादी करने जा रहा है यदि आप उससे पूछोगे तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि हाँ मैं रिस्क ले रहा हूँ शादी करके, बहुत बड़ी जिंदगी की रिस्क ले रहा हूँ, कोई मेरे ख्याल से कोई नहीं बोलता। या फिर आप प्लेन में बैठने जा रहे हो तो बहुत कम लोग बोलते होंगे कि यार मैं प्लेन में बैठने जा रहा हूँ, इट्स बहुत बड़ी रिस्क है। कुछ लोगों को डर लगता है दोनों ही चीज़ों में, पर वो बहुत बड़ी रिस्क कभी सोच के वो काम नहीं करते। अब आप जिंदगी में कुछ काम, जैसे कि आप इंडिया वापस आना चाहते हैं, तो आप उसको रिस्क मानते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूँ, मतलब मैं जब वापस आ रहा हूँ तो ये गलत हो सकता है, इसके बारे में पता करो, ये हो सकता है, इसके बारे में पता करो, ये सब चीज़ें करते हैं। पर आप उसको सेम टाइम देखोगे तो जब आप इंडिया के बाहर जाते हो तो आप उसको रिस्क नहीं मानते हो। वहाँ भी जाके लोगों की नौकरियाँ चली जाती है, वहाँ भी जाके लोगों को तकलीफें आ सकती है, वहाँ भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपने सोचा ना। दूसरा, वहाँ जाकर भी आपको कोई फैमिली सपोर्ट नहीं हो सकता है, हो सकता है आपको कोई पहचान का ना हो वहाँ पे, और कुछ चीज़ें जो आप यहाँ कर सकते हो वहाँ ना हो, फिर भी आप वो डिसीजन लेते हो, बट आप खुश होकर लेते हो, आप ये मान के लेते हो कि इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब रिस्क है भी तो बहुत कम है, ऐसा आप मान के चलते हो, जबकि रिस्क इक्वल है उसके अंदर भी, राइट। तो ये जो डिसीजन मेकिंग इस तरह की चीज़ों में जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है और जहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वहाँ पर मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट काफ़ी रोल प्ले करता है, जिसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी। एक होता है सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी, में सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी मतलब आप चीज़ों का हिस्ट्री देख के कि कितने लोग ये करते हैं, या कितने लोगों की शादी हुई और कितने लोगों का डायवोर्स हुआ। कोई भी शादी करने के पहले ये डेटा देखता नहीं है, राइट। मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा, होपफुली और लोग भी नहीं देखते हो, कोई चीज़ें जाके देखता नहीं कि कितने लोगों का डायवर्स हुआ और इस एरिया से शादी करने पे कितने लोगों का डायवर्स हुआ, ये पर्टिकुलर चीज़ से क्या हुआ। बट जब आप कोई और डिसीजन लेते हो तो उसमें ये डेटा उठा के आप देखते हो, जैसे इंडिया कितने लोग वापस आए, उन लोगों के साथ क्या हुआ, और मैं जाऊंगा तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें आप करने की कोशिश करते हो। दूसरा तो ऑब्जेक्टिव, आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस पे जो आपने डिसीजंस लिए उसके बेस पे आप बोलते हो कि यार मैंने पास्ट में ये डिसीजंस लिए थे और मेरी थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो सही थे, तो ये डिसीजन मेरी थॉट प्रोसेस के हिसाब से सही होगा, ऐसा आप सोच के डिसीजन लेते हो। तो जब आप ऐसा सोच के डिसीजन लेते हो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग से, उसके साथ में यदि आपको कुछ डेटा मिल जाता है सर्टेनिटी के लिए, तो वो डिसीजन सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब मुझे लगता है कि ऑफिशियल और फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं वो डेफिनेटली आप डेटा के बेस पे ही लोगे, जैसे आप कहीं कुछ करने जा रहे हो, अपना पैसा कहीं लगाने जा रहे हो, तो आप डेफिनेटली डेटा के बेस पे जाओगे या किसी ऐसे बंदे से बात करोगे जहाँ जिसने वो किया होगा, या उस कंपनी के बैकग्राउंड देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, नहीं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करोगे। अगेन ये सब चीज़ें हर कोई करता है और ये लोग करते आ रहे हैं, बट जब पर्सनल लाइफ के डिसीजंस लेते हो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, जो कि फाइनेंस से बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं मेरे हिसाब से, उन डिसीजंस में आप डेटा के ऊपर 100% नहीं चल सकते, मुझे ऐसा लगता है। मतलब डेटा आपको कलेक्ट करना चाहिए कि ये क्या होगा मैं डिसीजन लूंगा तो, जैसे अगेन शादी का डिसीजन आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ, अब आप अपने दोस्तों से पूछने तो नहीं चाहते शादी के पहले कि कितने लोग खुश हैं, या आप खुश हो शादी से, आप खुश हो, नहीं पूछते आप मान के चलते हो, जोक मारता है शादी के बाद तो हर कोई परेशान है, मतलब काइंड ऑफ थिंग, राइट, द लॉट ऑफ जोक्स अराउंड इट। पर फिर भी आप वो डिसीजन लेते हो और किसी से इस तरह का सवाल शायद नहीं करते हो। बट बाकी चीज़ें जो आप करना चाहते हो लाइफ में, वो इंडिया वापस आना हो या फिर कुछ और करना हो, या एक बिजनेस शुरू करना हो, कुछ पर जो भी आपके दिल से आप करना चाह रहे हो, उसके अंदर आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसमें रिस्क एनालिसिस करते हो और सब कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हो। फिर आप बीच में आके एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो मेरे साथ भी है, आप फंस जाते हो, आपके पास में एक लेवल ऑफ डेटा इकट्ठा हो जाता है, कुछ लोग बोलेंगे मत करो बकवास चीज़ है, परेशान हो जाओगे, हमने किया, हम परेशान हुए, आप भी हो जाओगे, कुछ लोगों के करो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा ऐसा कर लो। अब इसको लेके आप कन्फ्यूज हो जाते हो, रिस्क वर्सेस अनसर्टेन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और थोड़ा सा सर्टेनिटी, मतलब थोड़ी सी चीज़ आपको पता लगती है। तो ये जो तीनों चीज़ मिला के एक चीज़ जहाँ पे आप बीच में फंस आते हो, वहाँ होता है कन्फ्यूजन, कि मुझे कुछ डेटा मिल गया है, कुछ इसमें रिस्क इन्वॉल्व है और इसमें थोड़ी सर्टेनिटी भी है। अब मैं तो सेम चीज़ को कंपेयर करता हूँ कि आप प्लेन में बैठने गए, फैमिली के साथ वेकेशन पर कहीं जा रहे हो,
आप सब प्लेन में एक साथ बैठे हो, आप सब प्लेन में एक साथ बैठ के जा रहे हो, आप तब ज़्यादा नहीं सोचते हो कि प्लेन में ये हो सकता है या वो हो सकता है, मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। बट इस डिसीजन मेकिंग में आप ऐसा सोचते हो कि मैं इंडिया वापस जाऊँगा तो हम सब जाएंगे, बच्चे एडजस्ट होंगे कि नहीं, ये चीज़ विच इज़ फेयर थिंग, राइट। बट डिसीजन मेकिंग में यदि आप इतना सब चीज़ें इंक्लूड करके सोचने की कोशिश करोगे तो डिसीजन आप कभी ले नहीं पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। जिसको मतलब कुछ लोगों ने एक बुक भी एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस, आपने इतना एनालिसिस कर लिया उसके ऊपर कि आपको पैरालिसिस हो जाता है, कह रहे ये करना ज़रूरी है क्या, लोग तो रह ही रहे हैं, हम स्नूज बटन दबाते हैं और बैठ जाते हैं जिंदगी जो चल रही है वैसे करने के लिए। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कुछ समय पहले, उसको कहते हैं रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। आप जिंदगी के कुछ पर्सनल डिसीजंस रिग्रेट मिनिमाइजेशन के हिसाब से ही ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर आप, मैं बताता हूँ क्यों मुझे ऐसा लगता है, फिर आप डिसाइड कीजिए। रिग्रेट बेसिकली मिनिमाइज करने की कोशिश ये है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा उसमें कुछ तो रिग्रेट होगी। जैसे आप शादी करेंगे तो रिग्रेट होगी कि यार मैं बैचलर रहता तो अच्छा था ना, शादी करेंगे तो ऐसा लगेगा यार कि शादी करके गलती कर दी, दोनों ही चीज़ में रिग्रेट होगी। तो एक का मतलब हिंदी में कहते हुए कि शादी का लड्डू खाए जो पछताए, ना खाए जो पछताए। अब सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा पछताएंगे, राइट। इसलिए 90% 95 और मे बी 99, मेरा डेटा गलत हो सकता है, लोग शादी कर लेते हैं और पछताने के लिए तैयार रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ होता, बट जस्ट अबाउट दिस एग्जाम्पल। वो इसलिए कि आपको पता कि बैचलर लाइफ में तो आप ऑलरेडी हो, यदि आप शादी करोगे तो आपको लाइफ पता पड़ जाएगी। क्या आप उस चीज़ से बाहर निकल के वापस बैचलर लाइफ में जा सकते हो? हाँ, बट वो अपनी उसके अपने पेंस हैं। बट यदि आप शादी नहीं करते हो और आप ऐसे जिंदगी में बैठे रहते हो तो आप ज़्यादा रिग्रेट करोगे कि शायद मैंने वो कर लिया होता, अनलेस आप ब्रह्मचारी बनने के मूड में हो और आपके दिमाग में बहुत क्लियर है तो बात अलग है। तो एक जगह रुक के आप यदि वो डिसीजन नहीं लेते हो शादी करने का या ना करने का, तो वो डिसीजन आप यदि नहीं लेते हो तो आप बाद में पछताओगे, तो आपको कहीं ना कहीं तो रिग्रेट होगा। ऐसा ही इस चीज़ में भी रिग्रेट होगा। आप यदि ये नहीं करोगे या जो आप करना चाहते हो नहीं करोगे, आप उसको 10 दिन के लिए छोड़ दो, 10 महीने के लिए छोड़ दो, 1 साल के लिए छोड़ दो, यदि वो बार बार आपके सामने वापस आ रहा है, अगेन यू गेटिंग बॉदर्ड अबाउट इट, आपको बार बार वो चीज़ लग रही है कि मुझे ये करना चाहिए या मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ या मुझे इसके सामने बड़ा रिग्रेट होगा, तो वो डिसीजन लेना समझदारी है। क्योंकि वो गलत भी होगा तो एटलीस्ट आपने अपना रिग्रेट मिनिमाइज कर लिया, क्योंकि जो आप करंटली कर रहे थे उसमें आपका रिग्रेट काफ़ी बड़ा था, अब इसके अंदर आपकी रिग्रेट छोटी हो जाएगी। एटलीस्ट आप बोलोगे मैंने कर लिया भाई, मुझे समझ में नहीं आया, इट वॉज वेस्ट ऑफ द टाइम, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, ठीक है। तो अब आप जब भी ऐसा कोई डिसीजन लेते हो, राइट, तो आप दोनों के प्रोस और कॉन्स लिखते हो कि मैंने डिसीजन लिया तो इसके प्रोस क्या है, कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, हैप्पी पाथ, बेसिकली आपको लगता है ये सब चीज़ें अच्छी होंगी। कॉन्स लिखोगे कि ये बुरा होगा, ये बुरा होगा, ये बुरा होगा, ये बुरा होगा। दोनों लिखने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। जब आप ये लिखते हो तो आप जब हैप्पी पाथ लिख रहे हो, राइट, जो पहला आपने पॉइंट लिखा कि ये अच्छा होगा, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके दिल से आता है, जो पहली चीज़ आप लिख रहे हो, राइट, कि यदि मैं ये करूँगा तो ये होगा, इससे मैं शादी करूँगा तो मैं खुश रहूँगा, मेरा परिवार बढ़ेगा और मेरे पेरेंट्स खुश होंगे और मतलब मुझे कंपेनियनशिप मिलेगी और वाइक्स वाइज ही। तो उस पर यदि आप फोकस करोगे जो आपने पहला पॉइंट लिखा है या दूसरा पॉइंट लिखा है, वो हमेशा आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ की इसेंशियल काइंड ऑफ नीड्स में होते हैं, जो आप जिससे आपकी लाइफ कंप्लीट हो रही है। तो यदि वो और जो आपने कॉन्स में पहली चीज़ लिखी, जो वर्स्ट केस सिनेरियो आपने लिखा है यहाँ पे कॉन्स के अंदर, जो आपने वर्स्ट केस सिनेरियो लिखा कि ये वर्स्ट हो जाएगा, यदि ये जो वर्स्ट है इससे आप डील करने को तैयार हो इस चीज़ के लिए, तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद समझ में नहीं आया होगा आपको। मान लो आपने यहाँ पे लिखा कि मैं इंडिया वापस जाने के बाद मैं बहुत खुश रहूँगा, परिवार के पास रहूँगा, यहाँ पे आपने लिखा कि मैं परेशान हो जाऊँगा, ट्रैफिक होगा, ये होगा, तो यदि आपके दिमाग में आ रहा था कि हाँ ठीक है, मतलब यदि ये हो भी गया मेरा जो कौन मैंने लिखा है, फिर भी मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने ये एटलीस्ट कर लिया, आई हैव डन दिस, मैं खुश हूँ इस बात से, तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। तो पर्सनल लाइफ के डिसीजन लेने के लिए रिग्रेट मिनिमाइजेशन इज द वे टू गो, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैंने सिर्फ नहीं कहा, मैंने जेफ बेजोस को सुना है, उन्होंने कहा है कि रिग्रेट मिनिमाइजेशन इज द वे टू गो, उन्होंने अपने लाइफ के डिसीजन रिग्रेट मिनिमाइजेशन पे लिए, ऐसा उन्होंने बताया।
आप अपनी रिग्रेट्स को मिनिमाइज करते यदि जाओगे जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि तो यू विल बी मेकिंग बेटर डिसीजन. आई डोंट नो यू विल बी मेकिंग बेटर डिसीजन और नॉट. यू विल हैव लेस रिग्रेट्स लेटर ऑन. देर विल बी रिग्रेट्स ऑलवेज. देर विल बी रिग्रेट्स ऑलवेज, यू नो. देर विल बी सम रिग्रेट्स, यू नो. अभी आप यदि अच्छा खाओगे, मीठा खाओगे, तो आपका वेट बढ़ेगा, दूसरी प्रॉब्लम्स होगी. नहीं खाओगे तो रिग्रेट होगी कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ. इंदौर शहर में रहता हूँ, इतने अच्छे शहर में, जिस भी शहर में रहते हो, और इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो कौन सा रिग्रेट आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट? तो वो आपको सोचना पड़ेगा, या फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा. बट इन सिचुएशंस में आपको किसी एक चीज़ को चूज करना पड़ेगा. और मेरे हिसाब से यदि आप रिग्रेट को मिनिमाइज करके चूज करते हो उस डिसीजन को, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा. एटलीस्ट आप दिल से मानोगे कि मैंने ये कर दिया. और जो चीज़ आप दिल से मान के करते हो, समहाउ वो चीज़ों में आपको गलत होने के बाद भी दुख नहीं होता. मुझे ऐसा फील होता है. यदि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, किसी भी इंसान के लिए, और आपको लगता था कि मैं इसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, पर शायद ये उसका मतलब कोई उसका फ़ायदा इसको ना हो, अपनी ज़िंदगी को ना बदले, फिर भी आप वो अच्छी चीज़ जब करते हो, जो भी आप करना चाहते हो दिल से, और वो सामने वाला उस तरह से रिजेक्ट नहीं भी करता है, तब भी आपको अच्छा फील होता है. वो इसलिए होता है कि आप जो करना चाह रहे थे आपने वो किया, तो आप अपनी गट फील पे गए. जो लोग मतलब जो लोग गट फील में बिलीव करते हैं तो वो गट फील पे गए. दूसरा ये है कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे थे, आप अपने पास्ट में जाके देखोगे कि आपने जो छोटे छोटे डिसीजंस लिए थे वो कैसे थे, वो किस हिसाब के थे, और उनको लेने के बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंज आया. तो शायद मैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर आप लोगों को कुछ बता पाया. यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कॉमेंट, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा. अगेन थैंक्स फॉर टाइम. मुझे लगा डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैंने कवर किया. अगेन आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप जहाँ भी हो बहुत अच्छे से होली मनाएं बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और आपका परिवार बहुत हेल्दी रहे, आप बहुत खुश रहें, और आपको सभी तरह की खुशियाँ मिलती रहे. भगवान आप पे इस तरह की कृपा बनाते रहे. धन्यवाद. मैं और भी कॉन्टेंट बनाता रहूँगा जो मेरे दिमाग में आता रहेगा. आप पे कोई सजेशन है तो मुझे बताते रहें. थैंक यू.